أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वजीफा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये वजीफा उन वालदैन के लिए है जिनकी औलाद नाफरमान हो चुकी है, अपने वालदैन को गाली गलौज करती है, अपने वालदैन को मारती पीटती है और वालदैन चाहते हैं कि इनके बच्चे इनके ताबेदार हो जाएं, इनके फरमाबरदार हो जाएं, तो वो लोग इस अमल को जरूर करें। दोस्तों, बच्चा चाहे छोटा है या बड़ा है, इंशाल्लाह सिर्फ 21 दिनों के अंदर अंदर वो आपका ताबेदार हो जाएगा, आपका खिदमत गुजार हो जाएगा और अपने वालदैन की हर बात को मानेगा। लेकिन जो लोग अपने वालदैन के नाफरमान हैं, वो जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलीशान सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालदैन का नाफरमान अगर रोजा रखे और बाद जवान नमाज पढ़े और इसका इंतकाल रोजे की हालत में ही हो जाए और ये इंतकाल इस हाल में हो के इसके वालदैन इससे नाराज हो, तो जब वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि इसके वालदैन इससे नाराज थे, तो अल्लाह ताला इस पर गजब फरमाएगा। एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब्बे मीराज की रात जब मुझे आसमान की सैर करवाई गई तो मैंने देखा कि कुछ लोग आतिश की शाहों पर लटके हुए हैं। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा, ऐ मेरे भाई जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वालदैन के नाफरमान लोग हैं। अस्तगफिरुल्लाह। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने वालदैन को गाली दी, इसके सर पर जहन्नम में इस कदर आतिश के अंगारे बरसाए जाएंगे जिस कदर आसमान से जमीन पर बारिश के कतरे बरसते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वालदैन की नाफरमानी की, इसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की और वालदैन के नाफरमान को जब कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो कब्र इसको इस तरह दबाएगी कि इसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में घुस जाएंगी और क्यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अजाब इन्हीं लोगों के लिए होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ना ठहराना और वालदैन की नाफरमानी ना करना। तो दोस्तों, इससे साबित हुआ कि इबादत के बाद अगर अतायत है दर्जे के लिहाज से तो वो वालदैन की अतायत है और गुनाह में शिरक के बाद वालदैन की नाफरमानी का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए तो वालदैन से नाफरमानी की मुख्तलिफ किस्म की शदीद से शदीद सजाएं बताई गई। लेकिन आज के दौर में पर्दा उठाकर देख ले, हर दूसरा बंदा अपने वालदैन का नाफरमान है। कोई वालदैन को गालियां दे रहा है, कोई घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है, तो कोई किसी तरीके से अपने वालदैन को अजियत दे रहा है। खुदारा जिनके वालदैन हयात हैं उनकी कदर कर ले ताकि जन्नत आपका मुकद्दर बन जाए। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बरवकत पहुंचती रहे। जज़ाकअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा, ये अमल बड़ा ही मुजरब और बड़ा ही ताकतवर है। ये अमल आपने सिर्फ 21 दिन पढ़ना है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं उनके लिए भी आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन छोटे बच्चों के लिए भी आप ये अमल, ये
वजीफा कर सकते हैं। दोस्तों ये अमल, ये वजीफा आपने चीनी पर पढ़ना है और इस अमल को आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है। अमल कैसे करना है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। दोस्तों अमल शुरू करने से पहले आपने थोड़ा बहुत सदका खैरात जरूर कर देना है। जितनी आपकी हसीयत है आपने अपनी हसीयत के मुताबिक सदका जरूर कर देना है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप किसी को अच्छी बात ही बतला दें, ये भी सदका जारिया है। किसी के लिए दुआ कर दें, रस्ते में पड़ा हुआ पत्थर हटा दें, ये छोटे छोटे काम सदका जारिया में आते हैं। सदका करने के बाद आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है और थोड़ी सी चीनी लेकर आपने तन्हाई में बैठ जाना है। तन्हाई में ऐसी जगह बैठें जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे। दिन में किसी भी वक्त आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आपने कम अज कम 3 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी हिम्मत है आपने उसके मुताबिक दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सफाती नाम है, या नाफियो या नाफियो या नाफियो, इस नाम की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये सफाती नाम पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा अल्लाह ताला का ये सफाती नाम पढ़ ले तो उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ना है। जब आपने 7 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ना है तो इसके शुरू में ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं। जब आप 7 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत कर ले तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। और जो चीनी आपने अपने सामने रखी होगी उस चीनी पर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी औलाद के लिए हसूसी दुआ मांगनी है। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे ज्यादा हैं तो उस चीनी में से थोड़ी थोड़ी चीनी किसी चीज में मिलाकर वो चीज आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, या फिर जो चीज भी आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं उस चीज में वो चीनी मिला दें और वो थोड़ी थोड़ी चीज आप अपने बच्चों को खिला दें। एक तो तरीकाकार ये हो गया अगर आपके बच्चे दूर हैं, या फिर आपके बच्चे आपके हाथों से खाना नहीं खाना चाहते क्योंकि वो तो नाफरमानी के जमरे में आ चुके हैं, उनकी मर्जी वो आपकी बात माने या ना माने, तो फिर आपने करना ये है कि ये अमल, ये वजीफा पढ़ने के बाद आपने तसव्वुर में अपने बच्चे के दिल और दिमाग पर फूंक मार देनी है। दूसरा तरीकाकार ये है, इस अमल को, इस वजीफे को आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है। रोजाना थोड़ी सी चीनी लेनी है और उस चीनी पर रोजाना आपने इसी तरीके से ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। वक्त की कोई कैद नहीं, जो वक्त आपको मुनासिब लगे उस वक्त में आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इन 21 दिनों के अंदर अंदर आपके बच्चे राह रास्त पर आ जाएंगे, आपका कहना भी मानेंगे, आपके काबू में भी रहेंगे और आपकी खिदमत भी करेंगे। और जो बच्चे नाफरमानी करते थे वो नाफरमानी करना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। ये इतना ताकतवर और मुजर्रब अमल है, जब आप इस अमल को करेंगे इसके असरात चंद दिनों में ही आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को ये अमल, ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिनके बच्चे नाफरमान हैं, जो इनका कहना नहीं मानते और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।